सबसे टॉप पे आ गए, और फिलहाल यहाँ पे हम जाएंगे और यहीं से मेरी स्टार्ट होगी जीप लाइन की राइडिंग। ये जो है ना, ये स्विमिंग है, यहाँ पे देखिए चार रास्ते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गाइस फाइनली दिन के 2 बज रहे हैं और आज हम जाने वाले हैं गाइस कहाँ, गोपी तालाब या गोपी झील भी आप कह सकते हैं। भारत गुजरात राज्य सूरत शहर में गोपीपुरा इलाके में झील है, आज वही चलते हैं। और मलिक गोपी द्वारा लगभग 1510 ईस्वी में गाइस उसको बनाया गया था। और आज हमारे साथ जा रहा है कौन, मोनू, एक बार हेलो बोलो। हेलो। और आज चलते हैं भाई, देखते हैं उसमें क्या है, वो हम आपको सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल मस्त चलते हैं भाई गोपी तालाब या गोपी झील देखने के लिए। गाइस गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, कह नहीं सकते। सुबह में ठंडी लग रही है और शाम में ठंडी, और दिन में भाई गर्मी। और मस्त हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं। हम लोगों को गाइस यहाँ से जाना पड़ेगा उतना दरवाजा, फिर हमको वहाँ से भी ऑटो पकड़नी पड़ेगी। फिलहाल हम लोग मस्त बैठ गए और भाई निकलते हैं मस्त। भाई देखते हैं हमको कितना दूर पैदल चलना है। ये देखिए भाई प्लीज, कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस फाइनली हम गोपी तालाब पहुंच गए हैं और फिलहाल ये रहा हमारे सामने गोपी तालाब। गाइस यहाँ पे चेक कर रहे हैं भाई कि अंदर जो है ना कुरकुरा बिस्किट कुछ भी अलाउ नहीं है खाना। यहाँ से ना हमको टर्न लेना है राइट साइड में, इधर टिकट मिलेगा। फिलहाल देखते हैं। गाइस हमने 2 टिकट ले लिया है और ये जो टिकट है ना 20-20 रुपए के, हमने 2 लिया है तो 40 रुपए लगा है। गाइस हम जैसे एंटर किया है तो अंकल जी ने टिकट जो है ना ले लिया। ये रहा सामने भाई, इतना प्यारा व्यू है। यहाँ से मस्त हम लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं भाई, पहले हम इधर देखते हैं। ये देखिए भाई कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत लग रहा है पौधे जो है, कितना मस्त व्यू है और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और कौवा जो है ना आवाज दे रहा है। ये ऐसे सर्कल टाइम में मतलब कहाँ तक गया है, काफी दूर तक सर्कल, ये जो है ना ये काफी दूर तक है। जो भी चीजें हम आपको, सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे इसमें। इधर देखिए कितना प्यारा है। ओहो गाइस गोपी तालाब जो है ना, हम आपको गुजराती में जो लिखा है हम आपको दिखा रहे हैं। ये रहा गाइस देखिए गुजराती में गोपी तालाब, हम तो भाई पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फिलहाल अब ऐसे गोपी लिखा और तालाब लिखा तो फिलहाल किसी तरह मैनेज करके ना उसको पढ़ लिया। इस साइड ये सब ये बांस है और भी काफी चीजें, इधर पौधे उधर लगे हैं। अभी हम आपको गाइस बाहर बाहर दिखा रहे हैं, अभी हम चलेंगे मस्त अंदर जो है ना, काफी चीजें हैं, काफी प्यारे प्यारे हैं और काफी मस्त मस्त चीजें हैं। तो पहले हम आपको इधर की सारी चीजें हम आपको दिखा दें। और गाइस ये पौधा देखिए कितना मस्त काटा गया, चारों तरफ से ना एक बराबर है, ये सब इक्वल है चारों तरफ से, ऊपर भी और नीचे चारों तरफ इक्वल है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे बच्चों के लिए भी खेलने वाला है काफी चीजें। ये देखिए गाइस ये सब बच्चों वाला, इसमें पानी लगा हुआ है तो इसलिए अंदर अलाउ नहीं है जाना। और फिलहाल बच्चे तो है नहीं क्योंकि पानी लगा ना, तो इसलिए अलाउ नहीं किया गया है। और फिलहाल सामने हम आपको पानी दिखा रहे हैं। यहाँ पे गाइस यहाँ पे देखिए यहाँ पे पानी लगा हुआ है तो इसमें अलाउ नहीं है। और ये जो है ना ये थर्माकोल है ना, ये थर्माकोल है। फिलहाल ये सब गल गया है पानी में। और कितना प्यारा है, बच्चों के लिए झूला है, काफी चीजें है इसमें। और आगे तक हम चलते हैं, कुछ बच्चे वहाँ खेल भी रहे हैं। अगर आसिफ अलीजा आलिया इनाया होते ना तो मस्त इसमें खेलते, लेकिन क्या करे भाई इतना दूर हम आए हैं सूरत, वो आ ही नहीं पाएंगे। उन लोगों का स्कूल भी चल रहा है ना, तो इसलिए हम उनको नहीं लाए। यहाँ देखिए रस्सियों से, और देखिए वहाँ बच्चे खेल रहे हैं सब। तो बच्चे अभी है नहीं फिलहाल, इसलिए अभी कम भीड़ है। फिलहाल शाम हमको ना ज्यादा भीड़ होता होगा। गाइस हम चलते हैं वहाँ पे, कितना बेहतरीन कितना खूबसूरत बना है। चलते हैं वही, आज यही हमको ना मोनू घुमाएगा भाई, यही घुमाएगा ठीक है। गाइस कितना प्यारा व्यू है। इधर जो है ना इधर बंद है, इधर तो कुछ नहीं है फिलहाल, ये मकान वकान बन रहा है। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं भाई। यहाँ से कुछ इस तरीके से है। गाइस धूप बहुत तेज निकली हुई है यार, अब पसीना मुझे हो रहा है और मेरा होड़ भी फट गया है। इधर पता नहीं क्या है। गाइस इधर तो रास्ता काफी दूर तक गया है, फिलहाल इधर तो हम नहीं जाएंगे। ये इतना बड़ा है ना गाइस, घूम नहीं पाएंगे। ये गोपी तालाब जो है ना सर्कल टाइम में, फिलहाल चलते हैं भाई जीप लाइन। गाइस हम चलते हैं इसके ऊपर, भाई कितना प्यारा व्यू है। गाइस मस्त हम आ गए भाई नीचे से ऊंचाइयों पे। और फिलहाल यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से है भाई डक, और कितना प्यारा बना है। और ये काफी ऊंचाई पे है। आई लव सूरत गाइस। यहाँ से ना ये गोपी तालाब जो है ना, सारी चीजें यहाँ से आपको दिखेगी। फिलहाल ये जो बनाना काफी ऊंचाइयों पे बनाया और जमीन से ना लमसम 20 फीट ऊंचाइयों पे है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से हम सारी चीजें आपको दिखाएंगे, जीप लाइन भी दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि धूप बहुत ही तेज है। और फिलहाल यहाँ की व्यू देखिए भाई, कितना प्यारा व्यू है भाई। वो भाई साहब देखिए, देखिए वहाँ पे वो जो ना वो बंद है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस समय धूप तेज है तो लोग नहीं है। और फिलहाल यहाँ देखिए वो जो आपको दिख रहा है ना, वो है जीप लाइन, वो बोला। फिलहाल वहाँ पे भी कोई नहीं है। ये जो एंगल बनाया है ना भाई छत पे, क्योंकि देखिए रेलिंग है और देखिए मेरे सर तक है भाई, क्योंकि यहाँ पे तो हम चढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि अलाउ नहीं है। यहाँ से जो भी चीज़ें ना हम आपको सब दिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। और फिलहाल यहाँ पे देखिए और कितना प्यारा व्यू है। और चलते हैं गाइस अभी जीप लाइन पे, पता करते हैं जीप लाइन अगर चालू होगा तो मस्त उस पर गाइस हम राइड करेंगे जीप लाइन पे। वहाँ से पानी आ रहा है पाइप द्वारा।
और भाई जो है ना यहाँ मस्त रेस्ट कर रहा है क्योंकि धूप इतनी तेज निकली हुई है, इतनी तेज निकली हुई है ना भाई कि कह नहीं सकते। फिलहाल देखिए पसीना पसीना हो रखा है और यहाँ से हम चलते हैं कहीं और। गोपी तालाब में जो भी चीजें हम आपको सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं, आ जाओ। थक गए हो क्या गाइस? ये थक गया बेचारा। चलते हैं भाई नीचे। गाइस यहाँ पे छोटे छोटे डक देखिए, बत्तख कितने प्यारे प्यारे हैं। ओ भाई साहब, और मस्त उसमें ना पानी में ना मस्त अपना भोजन कर रहे हैं। गाइस ये जो है ना ये कैंटीन है, यहाँ पे आप अगर थक गए हो टायर्ड हो गए हो तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल सब बंद है पता नहीं क्यों। चलते हैं जीप लाइन पे, पता करते हैं कि ऑन है कि बंद है फिलहाल वो भी, क्योंकि इस समय पब्लिक बिल्कुल नहीं दिख रही है, कुछ लोग हैं। गाइस यहाँ से देखिए ऐसे लग रहा ना ये ट्रेन है, रेलवे स्टेशन है, और कितना प्यारा बना है भाई, इसमें पहिया वहिया सब चीज है। गाइस पता करते हैं कि भाई जीप लाइन बंद है क्या? इस समय चालू है, क्या हुआ? ऑन है ना? अच्छा गाइस जीप लाइन जो है ना चालू है, और फिलहाल यहाँ भाई लोग कह रहे हैं कि ऑन है। फिलहाल आप चाहे तो आप जीप लाइन पे आप राइड कर सकते हैं। वहाँ तक गाइस जाना है, वहाँ पे वो देखिए वो जो आपको सामने दिख रहा है ना वहाँ तक। बड़ा डर लग रहा है क्योंकि अभी हमने जीप लाइन पे हमने कभी भी राइड नहीं किया है। और फिलहाल यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से भाई साहब, यहाँ देखिए वहाँ पे डक वाली नाव है। फिलहाल वो देखिए भाई वो ऑन है, चालू है, हम समझे कि कोई है ही नहीं है। फिलहाल यहाँ पे भाई लोग हैं कह रहे हैं कि ना चालू है, सब चालू है। गाइस फाइनली डर तो बहुत लग रहा है लेकिन हमने भाई टिकट ले लिया, और फिलहाल जीप लाइन पे अब हम जा रहे हैं राइड करने के लिए। लेकिन बहुत डर लग रहा है, और फिलहाल यहाँ सेफ्टी वेफ्टी सब मिल रहा है। और ये भाई जो है ना जो भी चीजें सेफ्टी के लिए वो सब हमको सेफ्टी अभी पहनाएंगे भाई। और फिलहाल यहाँ पे देखिए काफी चीजें हैं, और अभी हम गाइस हम आपको ऊपर भी चलेंगे जहाँ से हम इस जीप लाइन पे हम जहाँ से हम मेरी राइड स्टार्ट होगी सबसे ऊपर वहाँ हमको जाना है। और भाई जो है वहाँ से सब जो भी सेफ्टी वाला है ना वो सारी चीजें वो निकाल रहे हैं। और भाई बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। फिलहाल कैसे जाए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करे, फिलहाल चलते हैं भाई राइडिंग के लिए। गाइस भाई जो है ना यहाँ देखिए क्या इसमें भाई सेफ्टी देखिए कितना सेफ्टी हो रहा है भाई। अच्छा अभी नहीं हो रहा है भाई, आराम से आराम से आराम से राइड रहेगा तो। हाँ ठीक है ठीक है। गाइस यहाँ पे कैसे लग रहा है किसी को मारने जा रहे हैं भाई, ये सेफ्टी है, ये लग रहा है अपना हेलमेट। और भाई साहब सेफ्टी बहुत जरूरी है, सेफ्टी गाइस जा रहे भाई ऊपर छत पे जा रहे भाई राइड करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ एक और भी कोई जा रहा है, ऐसे हम आगे निकल जाते हैं तुरंत। और भाई साहब बहुत ही डर लग रहा है गाइस, सबसे टॉप पे आ गए। और फिलहाल यहाँ पे हम जाएंगे और यहीं से मेरी स्टार्ट होगी जीप लाइन की राइडिंग। और भाई साहब बहुत डर लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है गाइस, बहुत डर लग रहा है। गाइस बहुत मजा आया जीप लाइन पे राइड करके ना, बहुत ही अच्छा लगा इसको। गाइस हम वहां से गाइस ना हम यहाँ भेजे थे भाई कि तुम जाके ना वहाँ रिकॉर्ड करना, और फिलहाल काफी पसीना आ गया है भाई को, दौड़ते दौड़ते ना इसको पसीना आ गया है। पार्क में जो है ना इतना अच्छा सॉन्ग बज रहा है, और कितना प्यारा यहाँ देखिए ग्रिल एंड फूल भी है, काफी चीजें हैं। और यहाँ पे भी भाई रेस्ट करने वाला है, और कितना रिलैक्सेबल है इधर। गाइस यहाँ देखिए कितना प्यारा है भाई, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे अलाउ है क्या जाना भाई? इसके नीचे चलते हैं, इसके नीचे देखते हैं क्या है। यहाँ तो बंद है फिलहाल, यहाँ अंदर जो है ना ताला पड़ा हुआ है, नीचे अलाउ नहीं है जाना। चलते हैं देखते हैं उसके पास में कुछ इस तरीके से। भाई साहब कितना प्यारा है यार, ये जो है ना ये स्विमिंग है। यहाँ पे देखिए चार रास्ते हैं, एक ये है, एक ये, एक ये, और फिलहाल एक हम जहाँ पे खड़े हैं ये है। इसके नीचे कुछ है क्या? इसके नीचे चलो देखते हैं इसके नीचे क्या है। फिलहाल इसके नीचे तो गाइस कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, और नाव भी चलने लगा वहाँ पे। फिलहाल काफी बढ़िया है भाई गोपी तालाब, ये छोटा सा पार्क ये गोपी तालाब में ही अटैच है। और फिलहाल यहाँ पे ना आराम से आप आए तो बैठ सकते हैं यहाँ पे, रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं भाई। काफी प्यारा है व्यू है यहाँ की, इधर भी देखते हैं यहाँ पे भाई। ये देखिए ये सिटिंग हेयर है, पानी फेंकता होगा इतना अच्छा लगता होगा। और फिलहाल यार देखिए भाई
यहाँ पे कुछ इस तरीके से है भाई, गोपी तालाब का नजारा। अगर आप आए बोट चलानी है ना तो वहां से रास्ता है और काफी प्यारा है। अब हम यहाँ से गाइस चलते हैं वापस घर, क्योंकि बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत बना है भाई गोपी तालाब। बहुत ही अच्छा लगा फिलहाल हमको यहाँ पे जीप लाइन राइड करके, काफी चीजें हमने देखा, काफी चीजें हमने सीखी। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, यही है गाइस गोपी तालाब, कितना प्यारा लग रहा है। गाइस अब हम लोग वापिस जा रहे हैं, भाई इसको पता था तो मोनू ने हमको अच्छा घुमा दिया गोपी तालाब। गाइस ट्रेन आ रहा है अभी, देखिए यहाँ से अभी दिखेगा आपको। ओ भाई साहब वो देखिए कितना प्यारा ट्रेन है, वो देखिए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है भाई, कितना स्पीड में जा रहा है। एक्सप्रेस भाई देखिए, वो देखिए कितना स्पीड में जा रहा है भाई साहब, मस्त जा रहा है यार। ट्रेन चली गई स्टेशन से, गाइस वहां से हमने एंट्री की, यहाँ से हम बाहर हो रहे हैं। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।